सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, एंड्रॉयड पे एक नवा अपडेट आया हुआ है एंड्रॉयड स्टूडियो पे। तो चलिए इसको जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या अभी लेटेस्ट अपडेट आया है। तो देखो फ्रेंड्स, जूम करने के बाद यहाँ पे अपडेट हमको देखने को मिल रहा है, एंड्रॉयड स्टूडियो का अपडेट। यहाँ पे एंड्रॉयड एमुलेटर में हमको अपडेट मिल रहा है 31.2.10 का और 329 MB का ये डाउनलोड का साइज है इसका। तो मैंने यहाँ पे अपडेट नाउ कर दिया और यहाँ पे अपडेटिंग होनी स्टार्ट हो गई है। तो देखो 32.9 MB का ये एक साइज़ है इसका डाउनलोडिंग का। तो यहाँ पे अपडेटिंग होनी स्टार्ट हो गई है मेरी, ठीक है। तो अपडेट हो जाने देते, उसके बाद देखते कि क्या ये नवा एंड्रॉयड एमुलेटर में कौन सा नवा फीचर आया है। तभी इसीलिए मैंने स्पेशल आपके लिए वीडियो बनाई है, क्योंकि ये अपडेट मेरे को अभी नोटिफिकेशन आया था और मैंने साथ के साथ ये वीडियो बनाने लग गया, सो डैट कि आपको पता लग जाए। अब मैं इसको बैकग्राउंड में रन कर देता हूँ और उससे पहले मैं थोड़ा काम कर लेता हूँ। तो अपडेटिंग अभी भी चल रही है, ठीक है। तो काफ़ी 329 MB का साइज़ है इसका। तो अपडेट हो जाने देते हैं एंड्रॉयड का एमुलेटर का, खास करके नवा अपडेट है। तो देखते हैं कि एमुलेटर में अभी कौन सा हमको नवा अपडेट देखने को मिलता है, ठीक है। तो एमुलेटर का वैसे बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे एंड्रॉयड स्टूडियो में, क्योंकि एंड्रॉयड स्टूडियो में हम जो भी प्रोजेक्ट बनाते हैं वो एंड्रॉयड एमुलेटर पे ही रन होता है, ठीक है। तो एमुलेटर में अगर अपडेट होता है तो काफ़ी अच्छी बात है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अपडेट मेरा कंप्लीट हो गया। तो अब मैं चेक करता हूँ, ठीक है, अबाउट में जाके मैं चेक करता हूँ कि इसका क्या साइज़ आया है। तो देखो वही है, ठीक है, पैच 3 चल रहा है। पैच 3 पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, ठीक है। तो पैच 3 चल रहा है यहाँ पे। तो अभी एमुलेटर में इसमें नवा अपडेट आया, तो एमुलेटर आप चला के देखना, रन करके देखना, ठीक है। क्योंकि मैं अपने यहाँ पे एमुलेटर नहीं चला सकता, क्यों कुछ रीज़न कारण मेरे को ये ऐप जो है वो अपने मोबाइल पे ही रन करनी पड़ती है। तो यहाँ पे मैं एमुलेटर नहीं चला सकता। तो अगर आपके पास अभी आपने अपडेट करा तो ज़रूर चेक करके मेरे को बताना कि क्या इसमें नवा फीचर हुआ है। तो अपडेट तो मैंने आपको बता दिया, ज़रूर आप अपडेट कर लेना जाके, ठीक है फ्रेंड्स। तो यही आज की इस वीडियो में मैंने बताया था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, अगर वीडियो ज़्यादा अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, ठीक है। तो यही है, इसमें एक ये फीचर मेरे को देखने को मिल रहा है यहाँ पे, जो अभी मैंने नीचे भी आपको स्लाइड में दिखाया था, ठीक है। तो यही था फीचर, और तो एमुलेटर रन करोगे तो ज़्यादा पता लगेगा, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।